इंदौर के महाराजगंज इलाके में रहने वाले एक बैंक अफसर की मौत के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों ने जहर देकर बैंक अफसर को मौत के घाट उतारा था। पूरा प्लान संपत्ति को हड़पने के लिए किया गया था। दरअसल 5 साल बाद मल्हारगंज थाना पुलिस ने बैंक अफसर की मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज किया था, जहां 67 साल के बसंत कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या, धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज के मामले में केस दर्ज किया है। मामले में ललिता जैन, प्रेम सिंह राठौर, मांगी लाल मालवीय, मनोहर और SB आचार्य को आरोपी बनाया गया है। बताया जाता है कि 2017 में बसंत कुमार की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने जहर से मौत होने की बात कही थी। बसंत कई बीमारियों से घिरे थे, लेकिन बाद में उनकी संपत्ति की फर्जी बिल मिली थी, जिसके बाद उनके भतीजे जितेंद्र ने मामले में कोर्ट में परिवाद लगाया था, जिसे लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मामले में पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। 2016 में एक मर्ग हुआ था, बसंत कुमार वर्मा जो कि राजमोहल्ला में रहते हैं, जो कि बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी थे, और 2016 में उनकी मृत्यु हुई थी। कई बीमारियों से वो ग्रसित थे, जिसमें तत्समय मर्ग जांच करके इसमें पूरी कार्रवाई की गई थी और जो भी तथ्य आए थे उसके आधार पर मर्ग को फाइल किया गया था। इसमें मेडिको लीगल से भी जांच कराई गई थी, जिसमें भी कोई अपराध का होना ना पाए जाने से SDM महाराजगंज द्वारा इस मर्ग को फाइल किया गया था। अभी जो इसमें मृतक हैं उसके जो भतीजे हैं जितेंद्र वशिष्ठ, उनके द्वारा माननीय न्यायालय में 156(3) के अंतर्गत एक वाद लगाया गया था। उस वाद में माननीय न्यायालय द्वारा इसमें 302 पंजीबद्ध करने के आदेशित किया गया है, तो इसमें कल अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसकी अग्रिम विवेचना की जा रही है। किन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है? इसमें एक उनकी जो मृतक है उनने एक मानस पुत्री बनाई थी, जो महिला है उनका उनके खिलाफ है, और 4 उनके अन्य मित्र हैं जो कि बैंक से ही रिटायर्ड लोग हैं, जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और मतलब कुल 3 लोग अभी शेष हैं, 2 की मृत्यु हो चुकी है, तो केवल 5 लोगों के विरुद्ध इसमें आदेशित किया गया है। अभी इसमें गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है और जो भी विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का क्या निर्देश है, जहर देके मारा गया है इसमें? कोर्ट ने इस विषय में कोई निर्देश नहीं दिया है, सिर्फ 302 पंजीबद्ध करने का आदेश किया है। विवेचना इसमें खुली है, पुलिस जो भी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से विवेचना करेगी।